दोस्तों रोजाना गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें। दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए 30 अक्टूबर से 5 नवंबर 2021 तक की 8 बड़ी भर्तियों की अपडेट लेके आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, इन सभी भर्तियों के ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं और आवेदन प्रक्रिया भी स्टार्ट हो चुकी है। ऑल ओवर इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हो। मेल फीमेल बोथ कैंडिडेट इन फॉर्म को भर सकते हैं। 20,000 से ज़्यादा वैकेंसीज निकली है जिनके लिए आपसे आवेदन पत्र मंगाए जा रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि किन किन 8 विभागों के अंतर्गत ये भर्तियाँ निकली है, क्या पोस्ट वाइज वैकेंसीज है, क्या पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आप इन भर्तियों की ऑफिशियल नोटिफिकेशन की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं 30 अक्टूबर 2021 से 5 नवंबर 2021 तक की टॉप 8 भर्तियों की पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, जो फर्स्ट नंबर की जॉब निकली है वो निकली है इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट में। भारतीय डाक विभाग के अंतर्गत ये भर्ती है। पोस्ट इसमें पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टमैन और एमटीएस की। यहाँ पर डेट की अगर बात की जाए तो अलग अलग स्टेट के लिए, राजस्थान के लिए लास्ट डेट 6 दिसंबर है, सीजी के लिए यहाँ पर 3 दिसंबर है, एचपी के लिए 15 दिसंबर है, एमपी के लिए 3 दिसंबर है, गुजरात के लिए 25 नवंबर है। यहाँ पर सेल या पोस्ट वाइज वीडियो को पॉज करके सिंपली चेक कर सकते हो। क्वालिफिकेशन इसमें 10वीं पास और 12वीं पास है अलग अलग पोस्ट के लिए। 18 से 25 और 18 से 27 वर्ष आयु सीमा है। ऑल कैंडिडेट्स के लिए ₹100 फीस है। बिना एग्जाम के भर्ती है, ऑफलाइन आवेदन कर सकते हो। राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात जॉब लोकेशन है। इंडिया पोस्ट .gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट है। उसके बाद दोस्तों जो सेकंड नंबर की जॉब है वो भर्ती भी इंडियन रेलवे भारतीय रेलवे में निकली है। अप्रेंटिस के लिए 1664 वैकेंसीज है। 2 नवंबर से आवेदन स्टार्ट होंगे, लास्ट डेट 1 दिसंबर 2021 है। 10th प्लस ITI से आप अप्लाई कर सकते हो। 15 से 24 वर्ष आयु सीमा है। ₹100 जनरल OBC WS के लिए फीस है। SST फीमेल के लिए कोई भी फीस नहीं है। ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हो। यूपी उत्तर प्रदेश जॉब लोकेशन है। ऑल इंडिया से आवेदन कर सकते हो। rrcprayagraj.org पोर्टल से आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो थर्ड नंबर की जॉब है वो निकली है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में। DRDO के अंतर्गत ये भर्ती है। ग्रेजुएट अप्रेंटिस, टेक्नीशियन अप्रेंटिस, ट्रेड अप्रेंटिस की पोस्ट है। 116 वैकेंसीज है। 1 नवंबर से आवेदन स्टार्ट होंगे, लास्ट डेट 15 नवंबर 2021 है। 9,800 सैलरी है। 10th ITI डिग्री डिप्लोमा से आप अप्लाई कर सकते हो। कोई भी फीस जमा नहीं करनी होगी और ना ही कोई एग्जाम देना होगा। मेरिट और इंटरव्यू से चयन होगा। ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। drdo.gov.in और rac.gov.in ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। उसके बाद दोस्तों जो फोर्थ नंबर की जॉब है वो निकली है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड में। IOCL में ट्रेड अप्रेंटिस, टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए 1968 वैकेंसीज निकली है। यहाँ पर 12 नवंबर लास्ट डेट है अप्लाई ऑनलाइन करने की। एग्जामिनेशन डेट 21 नवंबर 2021 है। 10th, 12th ITI डिग्री डिप्लोमा से आप अप्लाई कर सकते हो। 18 से 24 वर्ष आयु सीमा है। फीस जमा नहीं करनी होगी। रिटर्न टेस्ट के आधार पर सिलेक्शन होगा। ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। IOCL.com ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। उसके बाद दोस्तों जो 5 नंबर की जॉब है वो निकली है पुलिस डिपार्टमेंट में। पुलिस विभाग में कांस्टेबल की पोस्ट है। 10,459 वैकेंसी निकली है। लास्ट डेट 9 नवंबर 2021 है। 12वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 34 वर्ष आयु सीमा है। ₹100 फीस है जनरल कैटेगरी के लिए। बाकी की कैटेगरी के लिए कोई भी फीस नहीं है। रिटर्न टेस्ट ऑफ फिजिकल मेडिकल से आपका चयन होगा। यहाँ पर फिजिकल की कंप्लीट डिटेल आप चेक कर सकते हो। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। गुजरात जॉब लोकेशन है। ojs.gujarat.gov.in और police.gujarat.gov.in ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। उसके बाद दोस्तों जो 6 नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में। FCI में वॉचमैन की पोस्ट है। 1240 वैकेंसीज है। 19 नवंबर और 10 नवंबर लास्ट डेट है अप्लाई ऑनलाइन करने की। 23,300 से 64,000 सैलरी है। 8वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 25 वर्ष आयु सीमा है। 250 जनरल OBC WS के लिए फीस है। SC ST PWD फीमेल के लिए कोई भी फीस नहीं है। रिटर्न एग्जाम और फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट इसमें आपका चयन होगा। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। हरियाणा पंजाब जॉब लोकेशन है। FCI.gov.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है।
उसके बाद दोस्तों जो 7 नंबर पर जॉब निकली है वो भर्ती फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में निकली है। फूड एनालिस्ट, टेक्निकल ऑफिसर, सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर, असिस्टेंट मैनेजर, असिस्टेंट हिंदी ट्रांसलेटर, पर्सनल असिस्टेंट, आईटी असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, ग्रेड फर्स्ट की पोस्ट है। 233 वैकेंसीज है। लास्ट डेट 12 नवंबर 2021 है। 12th ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन है। एज लिमिट 18 से 25, 30, 35 वर्ष है। 1500 से 500 रुपये फीस है। ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। fssai.gov.in इसके ऑफिशियल वेबसाइट है। उसके बाद दोस्तों जो यहाँ पर 8 और लास्ट नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है IBPS बैंक में। यहाँ पर POMT की पोस्ट है। 4135 वैकेंसीज है। 10 नंबर तक आप आवेदन कर सकते हो। ग्रेजुएट डिग्री क्वालिफिकेशन है। 20 से 30 वर्ष आयु सीमा है। 850 से 175 रुपये फीस है। ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। IBPS.in की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो दोस्तों ये थी 30 अक्टूबर 2021 से 5 नवंबर 2021 तक की टॉप 8 भर्तियों की पूरी जानकारी। अगर आपको अभिन्न भर्तियों के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहीं से किसी भी भर्ती की नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो और अप्लाई करने के लिए भी लिंक यहीं पर दिए गए हैं। आप यहीं से आवेदन भी कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम डेली गवर्नमेंट जॉब्स की ऐसी ही बिग अपडेट अपलोड करते हैं।